लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले होशियारपुर में अपना चुनाव अभियान समाप्त करने के बाद पीएम मोदी 30 मई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी में प्रसिद्ध भगवती अम्मन मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना की। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया, जहां वह ध्यान मंडपम में ध्यान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी आध्यात्मिक अवकाश पर हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक अवकाश या एकांतवास के लिए यही जगह क्यों चुनी? दरअसल इस जगह से उनका एक पुराना कनेक्शन है, जो उनकी इस तस्वीर से भी समझा जा सकता है। ये तस्वीर दिसंबर 1991 में एमएम जोशी के साथ पीएम मोदी की एकता यात्रा की है, जो स्मारक से शुरू हुई थी, जिसे यूनिटी मार्च भी कहा जाता है। दिसंबर 1991 में इस यात्रा को कन्याकुमारी से शुरू किया गया था और 26 जनवरी 1992 को ये यात्रा समाप्त हुई थी। एकता यात्रा का नेतृत्व भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने किया था, जबकि तत्कालीन भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। ऐसे में ये जगह उनके लिए और भी खास हो जाती है, जहां उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी एकता यात्रा की शुरुआत की थी और आज शांति और सुकून की तलाश में भी उसी जगह पहुंचे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।